नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन खबर छत्तीसगढ़ का। जांजगीर जिले के चंद्रपुर में बीते दिनों हुए माधव मेडिकल स्टोर में आगजनी की गुत्थी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सुलझा ली है। वहीं आगजनी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि माधव मेडिकल में बीते शनिवार की रात पीछे की दीवार को तोड़कर आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 40 लाख की दवा जलकर खाक हो गई थी। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में बीते शनिवार 30 सितंबर की दरमियानी रात माधव मेडिकल स्टोर में आगजनी के आरोपी को पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि चंद्रपुर स्थित माधव मेडिकल में शनिवार की बीती रात पीछे की दीवार में सेंध मारी कर आग लगा दिया गया था, जिसमें लगभग 40 लाख की दवाइयां जलकर खाक हो गई थी। व्यापारी संगठन ने एक दिवसीय नगर बंद करके आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी और ज्ञापन देकर 10 दिन के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी। आरोपी पूर्व में माधव मेडिकल के पास मणि मेडिकोस के नाम से दवाई दुकान चला रहा था, जिसकी दुकान पैसे की कमी के कारण नहीं चलने व बंद हो जाने से माधव मेडिकल के संचालक माधव पटेल से ईर्ष्या करने लगा था और बदला लेने का प्लान बनाकर दिनांक 30/9/2018 की दरमियानी रात आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है आरोपी कुंद्रू झांज निवासी रविशंकर पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। ये रविशंकर पटेल है, ये कुछ साल पहले इसका मणि मेडिकोस नाम से दवाई दुकान खोला था माधव मेडिकल के 50 मीटर करीब। इसकी दुकान क्या है, किसी कारण बस चली नहीं, तो ये उसका कारण माधव मेडिकल को सोचता था क्योंकि उसकी दुकान अच्छी चलती थी। भाई मन ही मन में उससे इससे रखने लगा और इसी का प्लान बनाकर 29/30 की दरमियानी रात आगजनी घटना को अंजाम दिया। सर, इसमें घटना के संबंध में उससे कुछ साक्ष्य बरामद हुआ है, कोई गवाह मिले हैं इसमें? हाँ, उससे वो अपराध में प्रयुक्त वो बाइक जब्ती हुई है और आसपास के लोगों का कथन लिया गया है, जिसमें उसी का आ रहा है। तो घटना में सर ये अकेला था, इसके साथ कोई और आरोपी थे? इसमें अभी और भी चर्चा चल रही है, अभी तो फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तारी हुई। जांजगीर से उमेश जायसवाल की रिपोर्ट, एशियन 24।